बहुत बहुत बधाई देता हूँ भाई। क्या मैं हाल ही में सुनिया एशियन टीवी न्यूज देख के, मैं फोन में देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ से लेकर हैदराबाद तक अच्छा चल रहा है। आपको बहुत मुबारकबादी, आपकी पूरी ग्रुप को मेरे तरफ से बहुत मुबारकबादी। आज का खुशी का दिन है, पहले तो आज जुमा का दिन है, दूसरी बात रिपब्लिक डे का दिन है, तीसरी बात आज फातिहा का दिन है। बहुत खुशी का दिन है और ये अच्छा भी लगा आप लोगों से बात करके। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, वीआईपी कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। बैंगलोर की मशहूर व मारूफ हजरत कम्बलपोष दरगाह के वाइस प्रेसिडेंट और कम्बलपोष दरगाह के अल अमीन स्कूल के सदर जनाब सैयद इरफान से खसूसी तौर पर मोहतरमा उम्मे अमायरा ने मुलाकात करते हुए इनसे बातचीत की। हजरत कम्बलपोष दरगाह में हर जुमा को यहां पर अवाम की खिदमत में लंगर आम का अहतमाम किया जाता है। इस मौके पर हजरत कम्बलपोष दरगाह के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद इरफान ने खसूसी तौर पर एशियन टीवी न्यूज से खिताब करते हुए तमाम को यौम जमहूरिया यानी मुल्क की 75वीं रिपब्लिक डे की ढेर सारी मुबारकबादें पेश करते हुए अपने खिताब में इन्होंने हजरत कम्बलपोष दरगाह के बारे में मुकम्मल तफसीलात भी बताई। आइए जानते हैं इस खसूस में मजीद तफसीलात। पेश है मोहतरमा उम्मे अमायरा की बेंगलोर से एशियन टीवी न्यूज के लिए यह खसूसी रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, मैं उम्मे अमायरा, आप देख रहे हैं एशियन टीवी बेंगलोर से। दोस्तों आज हमारे साथ सैयद इरफान साहब मौजूद हैं, हजरत कम्बलपोष दरगाह के एजुकेशन और हजरत कम्बलपोष दरगाह के वाइस प्रेसिडेंट जनाब सैयद इरफान साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इरफान साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं एशियन टीवी व्यूअर्स? सबसे पहले तो आज 26 जनवरी है, सबको इसकी शुभकामनाएं देता हूं आज के दिन सारे हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के वास्ते। इसके अलावा आज हमारी जो हज़रत कम्बलपोष रहमतुल्लाह अलैह के सामने के हज़रत खादर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह में जो अभी आप देखे कुंडों की नियाज कहते हैं इसे, सदियों से सालों से ये परंपरा ये चली आ रही है। ये एक हमारे शरीयत का एक हिस्सा है। क्या है ये? शरीयत का एक हिस्सा है। हज़रत जाफ़र सादिक के नाम से, हज़रत जाफ़र सादिक के नाम से कुंडों की फातिहा दिलाते हैं, कुंडों की फातिहा दिलाते हैं। ये आप देखेंगे बड़ी सभा में सुबह से फजर के बाद से लेके अभी मगरिब तक हमारे माएँ और बहनें, बच्चे, बूढ़े, गैर जात वाले, नॉन मुस्लिम, मुस्लिम सब आकर इधर वर खाते हैं, फैस पाते हैं। बड़ी सीधी तरह बहुत सादा सादा एक दाल चा खुशका बनाते हैं, पूर की फातिहा जिसे बोलते हैं, प्योर पूरी बनाते हैं, खीर बनाते हैं। और इसी तरह हमारे हजरत कम्बलपोष रहमतुल्लाह अलैह के इदारे में हर जुमा बाद नमाज जुमा हमारे लंगर खाने में, कम्बलपोष रहमतुल्लाह अलैह के लंगर खाने में हर जुमा एक लंगर चलती है। तकरीबन नमाज के बाद 4 या 4:30-5 बजे तक चलती है। हर जुमा के दिन सब लोग आके इसमें लंगर खाने में फैस पाते हैं और खाना खा के तबरुक जाते हैं। और क्या क्या कितने सालों से लगातार ये चलते आ रहा है? तकरीबन जब से हजरत कम्बलपोष रहमतुल्लाह अलैह की इब्तिदा हुई वहाँ से मस्जिद बनाई गई, सालों से दरबार ये चल रहा है। हमें तो हमारे बचपन से तकरीबन 35 या 36 ईयर से वो देखते आ रहे हैं और ये सुनते आ रहे हैं हमारे पुरखों से, बड़ों से, कि ये लंगर ये दरबार सालों से चल रहे हैं। पहले खिचड़ा बनता था, खिचड़ी बनती थी, खुशका दालचा बनता था। आज अल्लाह का फजल है, सारे शहर के मालदार लोग कभी आते हैं अपने तरफ से दरबार लंगर पकाते हैं और अच्छा अच्छा खासा बंटवारा करते हैं। कभी कभी बीफ बिरयानी बनती है, कभी कभी मटन बिरयानी बनती है, चिकन बिरयानी हर जुमा बनती है। और ये जो हमारे खादर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का हर साल, खादर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के जो मुजावर हैं उनकी खादिम टीम है, पूरी ग्रुप जो है सालाना इसी तरह करते रहते हैं। और एक हमारा नाम है हमारे भाई का सादतुल्लाह, सादत हुसैन, ये सादत हुसैन जो है सारी जिम्मेदारी लेके बहुत अच्छी तरह, जिस तरह किसी के घर को गए तो मेहमान नवाजी कैसा करते हैं, चाय को देखना, खाने को देखना, पानी को देखना, वैसा हर कोई आए, छोटा हो या बड़ा हो, ये सादत हुसैन बहुत अच्छी तरह उनका इस्तकबाल करते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं और उनको खला पिला कर भेजते हैं। जैसा कि आपने अभी बताया कि आप एजुकेशन भी हैं हजरत कम्बलपोष दरगाह में, तो बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपका क्या कहना है? अल्लाह का फजल है,
जब से हमारे हाथ में ये इदारा आया 2021 के बाद, हमें दरबार बैठने के बाद में, ये बहुत बड़ी मेहरबानी है उधर अल्लाह ताला हमने चुनिया, वो बुज़ुर्ग के ऊपर हमारी नज़र हुई। उधर बैठने के बाद अलामिन कराना हाई स्कूल, पहले नाम था वो अलामिन कराना हाई स्कूल, वो स्कूल का नाम था, वो हमारी इदारे में आई। उधर वर पहले बच्चे बहुत काफ़ी कम थे, आज तकरीबन 80 से करीब हैं बच्चे, पहले 26 के करीब थे, आज 80 के करीब हैं बच्चे। एजुकेशन अच्छा है, आप कभी मौका बनाइए, कल तो लास्ट सैटरडे हमारी स्कूल खुली रहती है, फिर भी अगर हो सके तो आप सोमवार को, यानी सोमवार को मंडे के दिन आप उधर आइए, पीर के दिन देखिए, मुआयना कीजिए, आप पूरा जांच कीजिए, उधर बच्चों को पूछिए, मालूम हो जाएगा एजुकेशन उधर पढ़ा ही पाठशाला में हमारी कैसे हो रही है। क्या वो गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट? नहीं नहीं, हमारे इदारे की है, प्राइवेट है, इदारे की है हजरत, इसीलिए उसका नाम हजरत कम्बलपोश रहमतुल्लाह अलैह रखे थे, हजरत कम्बलपोश अलामिन कराना कम्बलपोश रखे थे। जैसे कि वो हजरत अलामिन कम्बलपोश दरगाह से रिलेटेड है स्कूल, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के लिए, उसमें तालीमात बच्चों के लिए होती है? अब अगर अगर देखें, आजकल छोड़ के बनवारा छोड़ के, आइतवार के दिन छोड़ के, पीर के दिन अगर आए तो देखेंगे कि कितने बच्चे कौन सी कौम के हैं, आपको खुद पता चल जाता है। एजुकेशन में कौन कर सकता है कि नहीं हमारे बच्चे आना, नहीं उनके बच्चे आना, ये हमारे में भेदभाव हमारे में नहीं है। और जो फीस आप वहाँ इदारे से कलेक्ट करते हैं बच्चों के पास पढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए, बहुत कम फीस रखे हैं, मिनिमम समझो 5,000 से 7,000। अगर इसके अलावा कोई बच्चे गरीब हैं, यतीम हैं, या कोई पड़ोसी उनको ले लेकर अगर बोलता है भाई ये बच्चों को एजुकेशन ऑन, इनको पढ़ने का इंटरेस्ट है, ये बच्चों को ले लेकर अगर छोड़ रहे हैं, इनके पास कुछ माली हालत कम है बोले तो उनको फ्री है, आज भी और कल भी फ्री है उनको। क्या सिर्फ मुसलमान के बच्चों के लिए फ्री है या सारे बच्चों के लिए, यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए? अतराफ के जिनों भी हो, हमारे हिंदू भाई के बच्चे भी हो, चाहे सिख भाई बच्चे हो, सिखों के बच्चे हो, या ईसाइयों के बच्चे हो, चाहे दलित के हो, सबसे पहले इंसानियत है ना, पाठशाला स्कूल बोले तो सबसे पहले इंसानियत है। हजरत कम्बलपोश दरगाह से रिलेटेड आप एशियन टीवी व्यूवर्स को और सारी आवाम को क्या कहना? बहुत बहुत बधाई देता हूँ का मैं हाल ही में सुनिया एशियन टीवी न्यूज़ देख के, मैं फ़ोन में देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ से लेकर हैदराबाद तक अच्छा चल रहा है। आपको बहुत मुबारकबादी, आपकी पूरी ग्रुप को मेरे तरफ से बहुत मुबारकबादी। आज का खुशी का दिन है, पहले तो आज जुमा का दिन है, दूसरी बात रिपब्लिक डे का दिन है, तीसरी बात आज फातिहा का दिन है, बहुत खुशी का दिन है और ये अच्छा भी लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सर। दोस्तों अभी हमने बात की सैयद इरफान साहब से, जो कम्बलपोश दरगाह के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिन्होंने बताया आज हजरत कम्बलपोश दरगाह में फातिहा भी चल रहा है, इसके साथ साथ इन्होंने 75th रिपब्लिक डे यानी कि आज के दिन की मुबारकबादी भी दी है रिपब्लिक डे की। मैं